विराट भैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब हम ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं लेकिन फिर भी बहुत फैन है आपके। ये देखिए अब ये हुआ है ना, मतलब कि इतने दूर से है मैं एक तो जी घूमता वाले सही में, मतलब कि वो भाई खुद अपनी मेड़ में जलाओ ना या तो फिर अपने खेत में जलाओ, भुंटा वो खुद और फेंको हमारे खेत पे। तो हे गाइस, जय श्री राम, वी आर बैक विथ अनदर न्यू व्लॉग। आ चुके हैं हम एक और न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी का, मतलब कि राजकन्हैया ब्लॉग में मोस्ट वेलकम। आज हम आए हुए हैं खेत, मतलब कि पापा जी बोल रहे थे कि सुबह सुबह खेत जाया करो घूमने, तो वही खेत आए हैं हम। मतलब कि गाय वगैरह रहते हैं शायद खेत में, इसलिए भेजे हैं। तो आज क्रिकेट खेलने ना नहीं गए और आज हम खेत ही आ गए। लेकिन हाँ, आज तो एक चीज़ है, आज तो विराट कोहली सर का बर्थडे है। विराट भैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब हम ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं लेकिन फिर भी बहुत फैन है आपके। कोई ही ऐसा जो होगा जो कि आपको नहीं जानता होगा तो फैन ना हो। इतनी फसल आ चुकी गया हूँ कि ये ठीक है, इधर का नहीं होगा है ठीक। और देख लेते हैं आगे, ये तो पूरी हो चुकी है यहाँ, ये पूरा बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है लास्ट तक। आगे चल के देख लेते हैं क्या हाल है आगे के पूरे, मतलब खेत में घूम रहे थे। ये देखिए जो चीज़ सोच रहे थे वही हो रहा है यहाँ से। यहाँ मतलब सच में कोई गाय बैल अंदर डाल रहा है, मतलब खेत में नहीं। आपके इसमें समझ में आएगा कि नहीं, ये देखिए ये गाय बैल के निशान है, ये पूरे वहाँ तक इस साइड से आए हैं। इसका मतलब कोई तो लाता है यहाँ, जब मालूम है कि बोनी हो गई है कि दाना भी उग गया है फसल अपनी, इसके बावजूद भी खेत अंदर लाते हैं बैल गाय। निशान गोबर लगता है और सुबह आनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल सुबह से आके देखना पड़ेगा, मतलब कि कौन है वो जो इधर गाय बैल लाता है अंदर जानवरों को। आज तो खैर लेट हो गए, कल और जल्दी आके देखेंगे। ऐसे में तो ये तो पूरी ही खत्म हो जाएगी अपनी फसल, थोड़ी सी तो है ही, इसमें थोड़ी लगता है बिरली है, उसमें घननी है, मतलब उसमें ठीक है शायद, इसमें थोड़ी कम हो गया। कोई तो बैल से ही इसमें कम होगी और बैल गाय ला के मतलब खेत आए तब, मतलब कि मूड अपना अच्छा हो गया था बहुत अच्छा, मतलब कि वो इसलिए क्योंकि मतलब यहाँ का जो सीन है, हरियाली है, चिड़ियों की आवाज़ है, उनको सुन के अच्छा लग रहा था। देख के मतलब कि यहाँ गा है और मूड ऑफ हो गया हमारे सुबह सुबह बिल्कुल। ये देखिए अब ये हुआ है ना, मतलब कि इतने दूर से है अब मेड़, एक तो जी भुंटा वाले सही में, मतलब कि वो भाई खुद अपनी मेड़ में जलाओ ना या तो फिर अपने खेत में जलाओ, भुंटा वो खुद और फेंको हमारे खेत पे। पूरी ओड़ा छोड़ जब यहाँ से भी दाना उग गया, सब दाने ऊपर लदे हैं यहाँ, वहाँ पे हैं गाय में। एक भैया हालांकि हटा रहे हैं, यहाँ दिख नहीं था, अब हम यहाँ हैं, पहचानना पड़ेगा वो किसके बैल है। ये देखिए मेन चीज, ये देख के हमें सबसे अच्छा लगता है, पढ़िए उसे हितग्रही भत्तीलाल, सरपंच भत्तीलाल श्री श्री दादाजी हैं, श्री भत्तीलाल कन्हैया। देखिए सरपंच भी थे और रहा आमा जिसकी छांव में बैठा करते हैं इधर, मतलब कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आया करते थे जब छोटे छोटे थे, मतलब कि ये समझ जाइए पुरानी यादें हैं।
आते हैं, मतलब कि भैया लोग, दोस्त लोग सभी आते थे, इस पेड़ के नीचे पिकनिक बनाते थे, दिन भर यहीं रहते थे, खाते थे, बनाते थे, खेलते थे, कुआँ तो है ही, वहाँ नहाते भी थे, सब कुछ। लेकिन अब कहाँ, अब सारे दिन चले गए वो पुराने वाले। पहले का ये समय था कि खेत का नाम यानी कि मस्ती बच्चों के लिए, खेत का दूसरा नाम बच्चों के लिए मस्ती होती थी। और आज तो किधर, खेत का नाम यानी कि जिम्मेदारी। सही बात ना। पापा जी छोड़ने आए थे, हम तुरंत ही आ गए थे, मतलब कि देखे और देखने के बाद आ गए। फिर पापा जी कॉल आया, फिर हम सीधे यहीं आ गए। अपनी ये देखिए किसके साथ आए हैं। हॉर्लिक्स खाए थे तो ऐसा। क्या खाए थे? हॉर्लिक्स खाए थे। हॉर्लिक्स खाए थे कि हॉर्लिक्स पिए थे? हॉर्लिक्स पिए थे। ठीक, तो ऐसा गंदा हो गया हम। ठीक, तो आज इसके साथ, आज क्योंकि आज संडे है ना गाइस, तो आज इसकी भी छुट्टी है, लेट भी जाएंगे, चलेगा। मतलब पापा जी अब 8:30 के बाद आए। ठीक, उनको छोड़ने के बाद अब चलते हैं घर, इसके साथ मस्ती करते। ठीक, अब मिलते हैं आप लोग को हम घर पहुंच के। कैसा लगा देखो इधर, कैसा लगा चलो बताओ घूम के? बहुत अच्छा लगा। अब क्यों फंसा रहे हो? अच्छा, चलाने जा रहे हो, ठीक है तो जाओ, बनती ही चलाते। और रहने दो, बनती है ना? हाँ बन जाती, रहने दो, तुम रख दो, चलो दो। आज का व्लॉग हम ज़्यादा सूट ही नहीं कर पाए, वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अमेरिका साउथ, ठीक जो भी, वही देखते रहे दिन में हम तो हम कहीं बाहर भी नहीं गए, और घर पे काम चल रहा है, आंगन की सफाई देखिए, तो इसके कारण और कहीं नहीं गए। लाए शाम को, पूरी शाम फिर इसके बाद और मैच देखने लगे, अभी लाइट गोल हो गई तो हम गए अभी एंड कर ही देते, क्योंकि अभी सेकंड पारी भी देखना है आपको, तो टाइम ही नहीं मिल पाए। तो गाइस बताइए कि व्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय माता।